Namaste. I welcome you all in our today's discussion on Unit 27 and 28 of our subject BRBL. इसमें आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए और इंश्योर कर दीजिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो. साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछ लीजिए. डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट. सो जैसे आपको अवगत है, हम CIB हो या प्रमोशन क्लासेस हो, जिसके लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस YouTube पे कंडक्ट करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए. साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द डिस्कशन. इट इज आवर रिवीजन फॉर यूनिट 27 एंड 28, व्हिच आर नथिंग बट द वेरी की टॉपिक्स, दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द क्वेश्चंस फर्स्ट. एंड जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर के साथ अवगत हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आपका आंसर दे दीजिए, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस अलाउड इन ए पार्टनरशिप फर्म आर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. ये देखिए, हमने नंबर्स तो पूछे पार्टनरशिप के, लेकिन उसके लिए क्लॉज जो दी है वो कंपनीज एक्ट 2013 में है. तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस अलाउड इन पार्टनरशिप फर्म हर 100. पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पार्टनर अलाउड कर सकते हैं. दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट. तो इस केस में आपको और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप के नंबर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप के नंबर जो है वो कौन से एक्ट के मुताबिक तय किए जाते हैं. सो दीज आर गवर्न एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सो इन दिस केस सी इज आवर करेक्ट आंसर. सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस अलाउड इन पार्टनरशिप फर्म आर 100 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. पार्टनरशिप फर्म में देर आर मेनी पार्टनर्स हु कैन डिजॉल्व द पार्टनरशिप एट विल. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक टेन्योर एंड पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. सो पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर्स इकट्ठा आते हैं, अपना बिजनेस कंटिन्यूस करते हैं, तो जो पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफिक टेन्योर मेंशन नहीं किया रहता है, उसको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं. सो पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस भेज के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. सो आवर आंसर इज एनी पार्टनर बाय प्रोवाइडिंग रिटर्न नोटिस. देखिए, दिस इज ए मस्ट. बाय प्रोवाइडिंग रिटर्न नोटिस टू अदर पार्टनर्स, ओनली द मैनेजिंग पार्टनर, ए मेजोरिटी वोट ऑफ द पार्टनर्स एंड द गवर्नमेंट. हियर पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस भेज सकते हैं, एंड रिटर्न नोटिस देके वो अपनी फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. व्हाट इज द पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन. जो पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए वो पार्टनरशिप चलाना है, इसके लिए एग्रीमेंट नहीं रहता है, उसी को पार्टनरशिप एट विल कहते हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. हमने प्रीवियस स्लाइड में ही इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था. हाउ कैन ए पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड बी कन्वर्टेड इनटू ए पार्टनरशिप एट विल. मान लो अगर कोई भी पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था, जैसे ही वो फिक्स पीरियड ख़त्म हो जाता है, दैट फर्म इज सपोज टू बी डिसॉल्व. लेकिन इन दैट केस अगर पार्टनर्स उस फर्म को पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट मीन्स वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं. बाय डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप, बाय कंटिन्यूइंग द बिजनेस आफ्टर द फिक्स पीरियड, बाय एडिंग मोर पार्टनर्स, बाय चेंजिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर. इसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको अपना बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू करना है. And if they have decided to continue the business beyond that fixed period, it will get changed into partnership at will.
So B is the correct answer for this question. What does the term person use in the Partnership Act exclude? Partnership Act में person की जो definition की है, person की definition में किसको include नहीं किया हुआ है? Person की definition से किसको exclude किया है? Person is a very broad definition. Person में individual आ जाता है, person में HUF आ जाता है, person में limited liability company partnership आ जाता है, person में company भी आ जाता है, लेकिन partnership firm is not included in the definition of the firm. A person, क्यों? क्योंकि partnership firm is not a separate individual. It does not have any separate legal entity. आप अगर company को कहते हैं, company is a separate legal entity. Company अपने नाम से contract कर सकती है, उसको अपना खुद का existence है, लेकिन वो partnership firm को नहीं है. इसके लिए person के definition से partnership firm को exclude किया है. So A is the correct answer for our question. Who can enter into a contract of partnership according to Partnership Act? Partnership Act के मुताबिक कौन partnership में contract कर सकते हैं? Only individuals, only companies, only registered firms, both individual and companies. Individual as well as companies जो है, दोनों partnership का contract enter कर सकते हैं. It means दोनों partner बन सकते हैं. क्योंकि दोनों को separate individual है, both are separate entities, company को legal status है, individual by, he is a natural individual जो है, individual is a natural person, तो इसके लिए उनको अपनी अलग identity रहती है, company की अपनी identity उनको by law, by status, by statute मिल जाती है, इसीलिए individual and companies can enter into a contract of partnership according to Partnership Act and registered firm cannot be a partner in another firm. They cannot enter into a contract of partnership according to Partnership Act. So D is the correct answer for our question. What is the key feature of a limited liability partnership regarding liability? Limited liability partnership, the name itself indicates the partnership mein liability limited hai. Jaise humne partnership firm mein dekha tha, partnership firm mein firms ki liability unlimited rehti hai, partner ki liability unlimited rehti hai. Partners are individually and severally liable to the firm. Partnership ki liability, partners ki partnership mein unlimited liability rehti hai. To avoid this, now limited liability partnership has come into existence. So partners are fully liable for all business debts. Partners have unlimited liability for business debt. Partners liability is limited to their agreed contribution and partners have joint liability for each other's action. So in case of limited liability partnership, partnership को जो liability है, वो उनको अपना जो contribution है, उतने तक ही restricted रहती है. So C is the correct answer for our question. As per LLP Act, what is the relationship between partners and LLP? LLP Act के मुताबिक partners और partnership में क्या relationship है? So let us see all the options first. पहले सभी options देखते हैं. Partners are agents of other partners, not the LLP. Partners are agents of the LLP and not the other partners. Partners have no agency relationship with LLP and partners are agents of the central government. In this case, LLP में partners जो है, वो partnership के agents है, LLP के agents करके काम कर सकते हैं. लेकिन बाकी partners के लिए वो agents नहीं है. So they cannot act on behalf of the other partners. Normal course में क्या है? वहाँ तो हम कहते हैं partner की dual responsibility है. Partners are acting as an agent as well as principal. So partner is acting as an agent for other partners as well as the partnership firm. And he is acting as a principal for the actions done by the other partners. लेकिन in case of LLP,
पार्टनर्स की ड्यूटी जो है, पार्टनर्स आर एक्टिंग एज एन एजेंट्स फॉर एलएलपी ओनली एंड नॉट फॉर अदर पार्टनर्स इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज द रीजन इन मेनी ऑफ द केसेस पार्टनर्स पीपल प्रिफर टू बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी देन टू बिकम ए पार्टनरशिप फर्म. सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. What principle governs the distribution of profit earned by a partner in a partnership? Partnership firm में profit distribution करने के लिए कौन सा principle follow किया जाता है? Individual profit sharing, joint liability, fiduciary relationship and personal compensation. So normally partners का जो है, partners का partnership firm में एक दूसरे के साथ fiduciary relationship माना जाता है. सो दिस रिलेशनशिप, फिडिशियरी रिलेशनशिप जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं. सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हाउ मस्ट ए पार्टनर एक्ट टू बाइंड द फर्म इन अ ट्रांजेक्शन? अगर पार्टनर अगर अपने कोई भी एक्शन के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म को बाइंडिंग करना चाहता है तो मींस उसकी जो एक्शन है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म रिस्पॉन्सिबल है. उसके लिए अगर इस तरह से एक्ट करने के लिए वो किस तरह से, इन व्हाट वे इफ इट डू हिज एक्ट देन फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल. कि अगर वो कोई भी एक्शन फर्म के नाम पे करे या अगर उसमें उसका इंटेंशन क्लियर दिखा दे कि वो जो एक्ट कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म के मुताबिक कर रहा है ताकि उस एक्शन के लिए पार्टनरशिप फर्म बाइंडिंग है, इन दैट केस फर्म जो है बाइंडिंग हो जाता है. इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द फर्म टू ऑनर दैट एक्शन टेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म. सो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट अगर वो आप फर्म के नाम पे करता है और with an intention to bind the firm करता है, in that case the firm is liable for that transaction. C is the correct answer for our question. What rights does a transferee of a partner's interest gain in a partnership? Next question. What rights does a transferee of a partner's interest gain in a partnership? अगर कोई भी partner अपना जो share जो है partnership में जो अपना share है और कोई दूसरे व्यक्ति को transfer करते हैं तो इन दैट केस जिसको transfer जो partner अपना share transfer करते हैं उसको transferor कहा जाता है. एंड जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसफरी करते हैं. तो जब कोई भी अपना शेयर दूसरे फर्म के नाम पार्टनर के नाम ट्रांसफरी करते हैं तो जो ट्रांसफरी है उसको कौन से राइट्स मिलते हैं इन द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप? तो उनको ट्रांसफरी को जो है एक प्रॉफिट शेयरिंग का राइट मिलता है, साथ साथ जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें प्रपोर्शनेट उसकी एंटाइटलमेंट बन जाती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म अफेक्टेड बाय द पार्टनर्स रॉन्गफुल एक्ट ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? जब नॉर्मल बिजनेस किया जाता है और नॉर्मल बिजनेस में अगर कोई पार्टनर गलत एक्ट करता है, गलत डिसीजन लेता है, तो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म की क्या लायबिलिटी है? अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई पार्टनर ये गलत डिसीजन लेता है या गलत एक्ट करता है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फर्म उसके लिए जिम्मेवार है, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है. सो फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर बिकॉज पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर ऑल द एक्ट. So C is the correct answer for this question. What is the legal position of a minor in a partnership according to the Indian Partnership Act? As per contract act, minor को partnership में join नहीं किया जाता है. लेकिन अगर ये लगता है कि minor को खाली partnership में जो benefits हैं उसके लिए अगर कोई add करना चाहता है as a partner, they can do it. In that case, minor जो है only benefit, minor can share the benefits of the partnership.
लेकिन वो लाइबिलिटी वो कोई भी फर्म के एक्शन के लिए पर्सनली लाइबल नहीं है. दिस इज द सिचुएशन इफ पार्टनरशिप फर्म वॉन्ट्स टू एड एनी इंडिविजुअल हु इज अ माइनर एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. सो ए माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर, माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन वो फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर ही कैन शेयर द बेने ही कैन शेयर इन द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. लेकिन उसमें जो बेनिफिट्स हैं पार्टनरशिप में उसमें वो शेयर कर सकता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ए माइनर कैनॉट बी अ माइनर पार्टनर विथ फुल लाइबिलिटी. ए माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी. माइनर की अपनी लाइबिलिटी है ही नहीं. माइनर का डोंट हैव एनी लाइबिलिटी द टाइम अंटिल व्हेन ही इज माइनर. एंड ए माइनर कैनॉट बी एसोसिएटेड विथ पार्टनरशिप इन एनी कैपेसिटी. अगर हम ए बी एंड डी देखते हैं, ऑल आर इनकरेक्ट रिप्लाईज फॉर दिस क्वेश्चन. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. Within what time frame a minor partner must decide whether to become a full partner after attaining majority. So, जब कोई भी minor को partner करके admit किया जाता है partnership firm को, and जिस दिन वो majority attain करेगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको decide करना है कि whether वो partnership firm में major partner एज अ फुल फ्लेज पार्टनर करके काम करेंगे या वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ देंगे. ही विल नॉट एक्ट एज एन पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म. इसके लिए उनको 6 महीने का समय अवेलेबल है. विद इन 6 मंथ्स दे हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस. उनको 6 महीने के अंदर डिसाइड करना है कि वो पार्टनरशिप फर्म के साथ एज अ फुल पार्टनर कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens if a minor partner fails to give public notice of their decision within the specified time frame? तो जैसे हमने previous slide में discussion किया या previous question में discussion किया कि उनको 6 महीने में decide करना है कि उनको full partner बनना है या नहीं बनना है. And अगर एक बार उन्होंने decision दे दिया, then they have to give a notice, public notice to that effect, ताकि लोगों को भी पता चल जाएगा. अगर वो partner public notice नहीं देते हैं, in that case, वो within specified time frame जो है 6 महीने का, उसमें decide करके अगर वो public notice नहीं देते हैं, in that case, the partner automatically he becomes a full partner. अगर वो पब्लिक नोटिस लेके बताते हैं कि मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया है, तभी उनका नाम पार्टनरशिप से निकल जाएगा. लेकिन अगर वो 6 महीने में पब्लिक नोटिस देने में फेल हो जाते हैं, तो वंस दैट पीरियड इज ओवर, देन इट इज प्रिज्यूम दैट ही हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप फर्म एज अ फुल पार्टनर. सो दे ऑटोमेटिकली बिकम ए फुल पार्टनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. They retain their minor status indefinitely. Not, this is not the correct answer. They lose all the rights in the partnership is also not the correct answer. They become full partner only after court ruling ki yahan jarurat hi nahi hai. So A is the correct answer for our question. Kyunki jaise agar main aapko ek batana chahta hoon, jab hum koi question solve karte hain, here I am telling you the concepts before going for the answer. So we can select the answer directly. लेकिन exam में अगर आपको अगर मान लो A भी लगता है सही option है, in spite of that आपको B, C और D भी पढ़ना चाहिए. The reason is that in multiple choice question we have to give the best appropriate answer. So इसीलिए आप B, C और D भी पढ़ लीजिए. Means you read the answer still and ताकि आपका सही रिप्लाई चला जाएगा. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अंटिल डैश ए रिटायरिंग पार्टनर लिए रिमेन लायबल फॉर द एक्ट बाय डन बाय द फर्म. कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द रिटायरमेंट लेने के बावजूद वो कब तक जिम्मेवार रहता है फॉर्म के एक्टिविटीज के लिए.
At the end of the financial year, they find a replacement partner, public notice of retirement is given, all debts are returned. तो जब भी कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है एंड वो रिटायर भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो रिटायरमेंट की पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म की जो भी एक्शंस है, जो भी एक्ट्स हैं, उसके लिए वो जिम्मेवार रहता है। क्योंकि जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तब तक लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म एंड इसीलिए ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय द फर्म टिल द टाइम पब्लिक नोटिस इज गिवन। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व when one partner retires, when all partners agree to dissolve, when all partners except one are adjudicated insolvent, and when the firm is no longer profitable. अगर कोई पार्टनरशिप में मान लीजिए 5 पार्टनर हैं एक्सेप्ट वन, अगर 4 पार्टनर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो, मीन्स इंसॉल्वेंट करके एडजुडिकेट हो गए, 4 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 4 इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो दे कैनॉट रिमेन द पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब एक ही पार्टनर उसमें रह जाएगा एंड वेन वन पर्सन रिमेन्स इन द पार्टनरशिप, वो अपना पार्टनरशिप का स्टेटस ही खो देती है। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 पार्टनर्स की ज़रूरत है। सो वेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व, और वी कैन से दैट ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व वेन ऑल एक्सेप्ट वन आर एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। What event triggers the dissolution of partnership firm according to section 42 of that? Section 42 के मुताबिक कौन से circumstances में partnership firm dissolve हो जाती है? एक, retirement of a partner, yes, कोई भी partner अगर retire हो जाता है, at that time firm can be dissolved or firm will be dissolved. Completion of a specific project, if partnership firm is established for a specific project, इन दैट केस अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इन दैट केस फर्म विल गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सो बी इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। जैसे बचपन में 2 बच्चे क्रैकर्स दिवाली के टाइम क्रैकर्स बेचने के लिए इकट्ठा आते हैं एंड दे वर्क जॉइंटली, इनडायरेक्टली दिस इज नथिंग बट द पार्टनरशिप फर्म। जैसे दिवाली खत्म हो जाती है वो अपने क्रैकर बेच भी देते हैं, तो इमीडिएटली जैसे ही उनका सभी क्रैकर्स बेच के खत्म हो जाते हैं, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इट्स अ स्लाइव सिंपल एग्जांपल आई हैव गिवन इट टू यू। इट मींस व्हेन जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, इन दैट केस द फर्म गेट्स डिसॉल्व। इट मींस इन दिस क्वेश्चन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। So my correct answer is D, because all of the above are correct options. So D is the correct answer for this question. What are the consequences of non-registration of a partnership firm according to section 69 of that? जब हमने concepts के बारे में discuss किया था, ये unit में unit को हमने this unit when we have discussed this unit in detail, तभी हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट ए कंपलसरी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करते हैं, दे गेट सम बेनिफिट्स। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की वजह से फर्म को कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स आर डूइंग देयर रजिस्ट्रेशन। सो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? In that case, agar if firm is a non-registered firm, unregistered firm, in that case, partners jo hai, ek dusre ke against, ya partner, ek partner, baki partner ke against, ya ek partner, partnership firm ke against, court mein case file nahi kar sakta hai. This is the main disadvantages
disadvantage for non-registration. So, inability to sue or be sued in court as a partner. So, partner karke, baki partner ke against, ya partner karke, partnership ke against, wo court mein case file nahi kar sakte, suit file nahi kar sakte. And unke against bhi, in the same way, unke against bhi, baki ke partner ya partnership firm, court mein suit file nahi kar sakte. So, C is the correct reply for this. What is the purpose of a common seal of a company? Common seal ka matlab kya hai? Common seal is nothing but the authorized signature of a company. Company is a separate legal entity. Company apne naam pe contracts kar sakti hai. To make it accountable for the contracts, what have been executed by the company, company ko signature place karna padega. लेकिन कंपनी इज नॉट अ नेचुरल इंडिविजुअल, तो इसके लिए वो हमारे जैसे अपनी सिग्नेचर नहीं लगा सकती हैं. टू ओवरकम दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉमन सील इन अ कंपनी. एज पर कंपनी लॉ, कॉमन सील हर एक कंपनी का अपना एक कॉमन सील रहता है. एंड जब कंपनी कॉमन सील डॉक्यूमेंट पे लगाती है, इट मीन्स दे आर टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. They transfer to, what is the purpose of a common seal in a company? To transfer share between shareholder, to signify the registration of the company, to legally bind the document on behalf of the company, and to elect the board of director. Jaise maine bataya ki company khud ke upar us particular document ke liye accountability leti hai. It means it is making itself legally binding for that particular document. So, C is the correct answer for our question. What is the corporate veil in a Companies Act? Companies Act mein corporate veil ka definition kya hai? Normally, hum jo dekhte hai ki corporate veil jo hai, it is a barrier between the shareholders and company's action. आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है, बिकॉज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम नहीं देखते हैं हु इज अ कॉर्पोरेट वेल, दैट इज हु आर द पर्सन्स हु आर मैनेजिंग द कंपनी. नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये नहीं देखा जाता है, बट इन इफ एनीथिंग हैपन्स इन द कंपनी, देन दैट कॉर्पोरेट वेल कम्स इन टू द पिक्चर. सो इट इज अ फिगरेटिव बैरियर बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनीज एक्शंस. So, B is the correct answer for our question. What is the maximum number of members allowed in a private company as per Section 3(1) of the Companies Act? जैसे हमने partnership firm में देखा था, कि minimum 2 लोग होने चाहिए to form the partnership and maximum 100 members are permitted. In the same way, Companies Act के मुताबिक private company में कम से कम, what is the minimum 2 members होने चाहिए and maximum 200 members are permitted as per the Companies Act. So, what is the maximum number of members allowed in a private company? 200 तक members को allow किया जा सकता है. So, A is the correct answer for this question. Who can sign the document? Who can sign the document on behalf of a company without using a common seal as per the amendment to section 46 of the Companies Act? So, jaise humne previous slide mein dekha tha, company jab common seal banati hai, common seal koi bhi document mein lagati hai, in that case, company is accountable for that particular document or that particular action. Nowadays, अभी कंपनीज एक्ट में 2013 में सेक्शन 46 में जो अमेंडमेंट किया हुआ है, एज पर दैट अमेंडमेंट, अगर कोई डायरेक्टर या वन डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, इन दैट केस वहां कॉमन सील लगाने की जरूरत नहीं है. और वी कैन से दैट अगर कंपनी अगर कॉमन सील यूज नहीं करना चाहती है ऑन एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, इन केस इफ दैट डॉक्यूमेंट इज साइन बाय द टू डायरेक्टर्स और वन डायरेक्टर एंड ए कंपनी सेक्रेटरी, इन दैट केस इट इज द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द कॉमन सील. सो हु कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स? टू डायरेक्टर्स
or one director and a company secretary can sign the document on behalf of a company without using a common seal as per amendment to section 46 of the Companies Act. So C is the correct answer for our question. So पहले जो हम कहते थे common seal is mandatory, अभी यह amendment के बाद उन्होंने common seal के लिए alternate solution दिया हुआ है. Two directors or one director and a company secretary can sign the document. This is very important for you from your examination point of view. What is the distinguishing characteristics of a company limited by share? So there are three types of companies limited by share, companies limited by guarantee, and unlimited liability company. So what is the meaning of company limited by shares? Ki certain companies are issuing share capital to the members and uske through wo apna capital raise karti hai. And in that case, jo shareholders jinhone jo shares purchase kiye hue hain unki company mein jo liability hai that is restricted to the face value of the share. मान लो अगर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अगर उन्होंने कोई भी लायबिलिटी एक फुल अमाउंट पे कर दी है तो उनकी लायबिलिटी वहाँ ही रिस्ट्रिक्टेड होती है. लेकिन इफ शेयर अमाउंट की अगर उन्होंने पार्ट अमाउंट पे करनी है या शेयर अमाउंट इज टू बी पेड इन पार्ट्स, इट मीन्स इन दैट केस जो उनकी अनपेड अमाउंट होगा उस शेयर के ऊपर उतनी ही उनकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी क्योंकि जो पेड अमाउंट है दैट हैज ऑलरेडी बीन गॉन इनटू द किटी ऑफ द कंपनी के पास वो ऑलरेडी है, ऑलरेडी उन्होंने अपनी लायबिलिटी उतने लेवल तक पे कर दी है. तो इन दैट केस अगर अनपेड अमाउंट है तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है. सो दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो कंपनी हैविंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी उनके शेयर्स की वैल्यू तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है. वी कैन कीप इट इन माइंड इन दैट वे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है, कम से कम कितने मेंबर्स की जरूरत है? जैसे हमने देखा था पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए, दो इंडिविजुअल्स चाहिए. प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें दो मेंबर्स चाहिए. इन द सेम वे अगर हमें पब्लिक कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो हमें कम से कम 7 मेंबर्स की ज़रूरत है. तो मिनिमम 7 या उससे ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा आके पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं दे कैन डू दिस, दे कैन स्टार्ट दिस. When must a one person company convert into either a private or public company? There is one type of company which is known as a one person company. It means one person company कौन है? One person company is one जिसमें एक ही member से वो company start करते हैं. लेकिन अगर किसी को one person, कोई एक व्यक्ति को अगर one person company करके start करना है he has to adhere to certain specific rules and regulations as per Companies Act. और one person company कब public company या private company में convert हो जाएगा? Because one person company को उन्होंने काफ़ी restrictions लगाए हुए. जब उनका paid up share capital होगा वो जब 50 लाख क्रॉस करेगा या अगर कंपनी का एनुअल टर्नओवर अगर कभी 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो इन दैट केस वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इट इन माइंड. सो इट मीन्स जब तक कंपनी का साइज छोटा है तब तक कंपनी कैन फंक्शन एज अ वन पर्सन कंपनी. लेकिन जैसे ही कंपनी का पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगा या उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा इन दैट केस इमीडिएटली वन पर्सन कंपनी विल बिकम आइदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स ₹1 करोड़, व्हेन द इट रीचेस इट्स 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन, व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़. A, C, D, all are not the correct options.
बी इज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने आपको बी के साथ डायरेक्ट लिंक इसके लिए किया ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज यहाँ हमें नंबर्स ध्यान में रखना है. वी शुड हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर दिस, स्पेसिफिक नंबर्स फॉर दिस. तो नंबर्स ध्यान रखना है, तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आई डिस्कस डायरेक्टली आंसर विथ यू ऑन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ हम एक 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं. आप एक बार सभी क्वेश्चंस देख लीजिए. आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इमीडिएट पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू. So let us start for next question. What is the definition of a small company? हमने private company का definition देख लिया, हमने public company देख ली, हमने one person company देख ली. इसी तरह से there is a one more type of company which is known as a small company. Small company के लिए क्या condition है? A company with a paid-up share capital of rupees 10 lakhs or turnover of less than 2 crores. A public company with an annual turnover of less than rupees 5 crores, a company with a turnover of less than 2 crores, and a company with a paid-up share capital of less than 50 lakhs or a turnover of less than 2 crores. What is the correct definition? Correct definition of small company is one whose paid-up share capital is less than rupees 50 lakhs and jiska turnover 2 crores se niche hai, us company ko small company kaha jata hai. तो स्मॉल कंपनी में ये देखना पड़ेगा जब उनका शेयर कैपिटल लाइक वन पर्सन कंपनी की तरह से ही उनका शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए या उनका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम होना चाहिए. जैसे ही वो ये कंडीशन को ब्रीच करेंगे वो उनका जो स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है वो लूज कर पाएंगे, खो देंगे. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. When must a one-person company notify the register of a designated individual? One-person company में क्या होगा? There is only one member. तो इसके लिए to avoid problems or to have a succession plan like this, उनको कोई एक व्यक्ति को designate करना पड़ेगा after getting consent from that specified person. And वो जो है उसके बारे में उनको notify करना पड़ेगा ROC के पास. तो ROC के पास वो कब नोटिफाई करेंगे? एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डिमाइज और इनकैपेसिटी, व्हेन कन्वर्टिंग इनटू अ प्राइवेट कंपनी, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो वन पर्सन कंपनी को जो कोई व्यक्ति को कोई रजिस्ट्रार के पास नोटिफाई करना है उसका पर्पस क्या है? क्योंकि अगर देर इज ओनली वन पर्सन वन सब्सक्राइबर, अगर उनका कोई भी रीजन से अगर डेथ हो जाता है या वो इनकैपेसिटेट हो जाता है, देन हाउ द कंपनी विल रन, हाउ द कंपनी विल फंक्शन. टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम दे हैव टू डेसिग्नेट वन इंडिविजुअल, एंड इसके बारे में उनको जो ROC को जो इंफॉर्मेशन देना है वो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे तभी ही उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वन पर्सन कंपनी नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ ए डेसिग्नेटेड इंडिविजुअल. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. वॉट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? हमने ये देखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है व्हेन वी डिस्कस दिस यूनिट. तो अगर किसी को इनके बारे में डिटेल में जानना है, कंसेप्ट्स क्लियर करा के लेना है, प्लीज रेफर अवर दैट वीडियो वेयर इन वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बेस डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी. इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करता है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करता है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटलाइंस द कंपनीज इंटरनल मैनेजमेंट, नॉट करेक्ट. यहाँ ये खत्म हो गया. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन गवर्न्स इंटरनल मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, करेक्ट. यहाँ तक तो करेक्ट है.
while articles of association is concerned with the internal management. Yes, this is also correct. So apparently this is the correct statement. Memorandum of association subordinates the articles of association which governs the company's objective. Now I am coming to this statement. Ek concept ke bare mein dhyan mein rakh dijiye. Memorandum of association jo hai wo company ke objectives ke bare mein baat karte hai, company ke business ke liye baat karte hai. Whereas articles of association is discussing about the company's internal management. That is the reason article of association is subordinated to memorandum of association. Memorandum of association is superior document compared to article of association. So C is the correct answer for this question. What happens if a company acts beyond the scope of its object clause in memorandum of association? जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट करके डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है, कंपनी अगर उससे बियॉन्ड दैट स्कोप जाके अगर कोई एक्शन लेती है तो वो एक्शन उनकी अल्ट्रावायर्स दैट एक्शन इज अ वॉइड एब इन इश्यू. शुरुआत से ही वो एक्शन गलत मानी जाती है एंड उसको रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता है. तो अगर कोई कंपनी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर कोई एक्टिविटी करती है तो वो एक्टिविटी पहले से ही गलत एक्टिविटी है, वॉइड एक्टिविटी है एंड उसको रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. द ट्रांजैक्शन इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड है एंड इट कैनॉट बी रेक्टिफाइड. सो When a company acts beyond the scope of its object clause in memorandum of association, the transaction is void ab initio and cannot be ratified. D is the correct answer for our question. अभी तक हमने काफ़ी questions discuss किए हुए हैं. अगर आपको आज का discussion अच्छा लगा होगा तो please press this like button because this will be a motivating factor for. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं. आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्रेस दिस बेल आइकन, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे, आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट नहीं करेंगे. जब आप रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आपका क्वेश्चन या आपकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे हमें कन्वे कीजिए, डेफिनेटली हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक बार यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम यह जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू द कंसेप्ट. एक बार आपके कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएंगे तो आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे. दैट इज द रीजन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, ताकि हमारा पर्पज यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको भले वेदर इट इज केस स्टडी, वेदर इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, वेदर इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन or true or false, you will be able to reply it and you will be able to achieve maximum score. What is the purpose of doctrine of constructive notice? As per Companies Act, there is one doctrine, there is one concept which is known as the constructive notice. Constructive notice ka purpose yahi hai ki company ko outsider se protection milna chahiye. That is the purpose of this constructive notice. अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में डिटेल आपको जाननी है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार हमारा वीडियो जरूर देख लीजिए, कंपनीज लॉ के ऊपर जो हमने वीडियो किया हुआ है, फॉर यूनिट 28 के ऊपर जो वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार वो देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर्स डीलिंग विद इट, टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी इंटरनल इरेगुलरिटीज, टू इंश्योर द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर एनी अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन, टू प्रिवेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग आउटसाइडर्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी.
तो इसमें से कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पर्पज यही है टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स डीलिंग विद इट. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो द पर्पज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स डीलिंग विद इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वॉट सर्कमस्टेंसेज एन आउटसाइडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. लास्ट लाइन में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा था जिसमें कंपनी को आउटसाइडर से प्रोटेक्शन है. दूसरा, देर इज वन मोर डॉक्ट्रिन, क्योंकि यहां तो हमने देखा है कंपनी को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है आउटसाइडर से, लेकिन आउटसाइडर से कंपनी को किससे प्रोटेक्शन मिलेगा, उसी के लिए भी उनका भी प्रोटेक्शन सेफगार्ड होना चाहिए. उनका प्रोटेक्शन होने के लिए देर इज अ इंडोर मैनेजमेंट कंसेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज देयर. इट मीन्स इसमें आउटसाइडर्स को कंपनीज के इंटरनल इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है. When the outsider has no knowledge of the company's internal irregularities, when the company's internal operations align with its public document, when the officer of the act company within their apparent authority, and when the outsider has actual knowledge of the company's internal irregularities, under what circumstances an outsider not entitled to claim the protection under the doctrine of indoor management. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के मुताबिक आउटसाइडर को कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है प्रोवाइडेड वो ये देख लें कि जो भी एक्ट कंपनी उनके साथ कर रही है दैट इज एज पर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब इन देयर इंटर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. लेकिन अगर आउटसाइडर को ये मालूम है कि कंपनी के में इंटरनल इरेगुलरिटीज हैं एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, इन दैट केस उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. एंड क्वेश्चन यहाँ निगेटिव क्वेश्चन ही है, कौन से केसेस में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. व्हेन एन आउटसाइडर हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ द कंपनीज इंटरनल इरेगुलरिटीज, उसको अगर कंपनी में जो इंटरनल इरेगुलरिटी चल रही है उसके बारे में नॉलेज है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करता है वहाँ उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हाउ डज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी. सो माय ए इज नॉट करेक्ट. द डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्शन नोटिस सीक्स टू एंश्योर कंप्लायंस विथ इंटरनल रेगुलेशंस. हमने क्या देखा था, constructive notice seeks to ensure compliance regarding objectives of the company, and doctrine of indoor management to protect directors is not a correct statement. The doctrine of indoor management protects the outsider against the internal irregularities, while constructive notice protects the company against the outsiders is the correct statement. क्योंकि हमने अभी already यही discuss किया हुआ है कि company में अगर internal irregularities हैं लेकिन इसके बारे में अगर आउटसाइडर को मालूम नहीं है, इन दैट केस एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर. एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस के मुताबिक कंपनी को आउटसाइडर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनीज इंटरनल ऑपरेशन, ये भी गलत है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हाउ कैन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी अल्टर्ड. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर्ड करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज इन वेरी फ्यू केसेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर किया जाता है. अगर इसको अल्टर करना है तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड सबसेक्वेंटली उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना भी जरूरत है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द कंपनी एंड इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कैन ए नॉन रेसिडेंट बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी विदाउट कंप्लाइंग द स्पेसिफिक रेगुलेशंस. अगर कोई एनआरआई है
एंड उनको अगर कंपनी में मेंबर बनना है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं? तो यस, उनके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। उनको सबसे पहले आरबीआई को परमिशन लेना है एंड फेमा की गाइडलाइंस भी कंप्लाई करनी है। यस, एज लॉन्ग एज दे होल्ड शेयर, नो दे मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेमा एंड रेगुलेशन एंड मेड डरेंडर। यस, दे इफ दे ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम आरबीआई एंड नो नॉन रेसिडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग मेंबर। नो नॉन रेसिडेंट्स कैन बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी, लेकिन उसके लिए उनको पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा एंड इसके बाद फेमा की जो गाइडलाइंस है वो भी कंप्लाई करना जरूरी है। सो दैट इज द रीजन सी इज द सॉरी लेट मी रेक्टिफाई माई सेल्फ कि नो दे मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फेमा 1999 एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। सो इसके लिए अगर वो फेमा की गाइडलाइंस कंप्लाई करते हैं तो वो मेंबर बन सकते हैं। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर, आरबीआई की परमिशन लेना जरूरी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कैन अ पार्टनरशिप बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी? यस, बट इट मस्ट कंप्लाई विद स्पेसिफिक रेगुलेशन। नो, बिकॉज ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन। यस, एज लॉन्ग एज इट होल्ड शेयर्स इन इट्स ओन नेम, नो पार्टनरशिप फर्म्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम होल्डिंग शेयर। जैसे हमने यही डिस्कशन में यही सेशन में देखा है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, उसको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, वो सेपरेट इंडिविजुअल नहीं है। When a person he is not partnership firm is not a separate legal person, वो company में member नहीं बन सकते हैं because per company में only persons can become a member. So B is the correct answer for our question. What is the basis of cessation of membership in a company? Company में membership किस तरह से ख़त्म हो सकती है? जब कोई एक व्यक्ति shareholder जो है वो दूसरे को शेयर ट्रांसफ़र करेंगे देन उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, परचेसर जो है उसकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो सकती है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। डेथ ऑफ द मेंबर, अगर कोई मेंबर का डेथ है तो उनके नाम पर जो शेयर्स हैं that will be transferred to the legal heir or to the nominee appointed for that share. In that case, उस व्यक्ति की after death उनकी membership ख़त्म हो जाती है, the membership will be transferred in the name of new person. So C is also a correct answer. So when my A is correct, my B is correct, my C is correct, correct answer is nothing but the D in this case. What is the penalty for a company failing to maintain a register of members or debenture holders as per Companies Act 2013? Companies Act के मुताबिक हर एक कंपनी को उनके जो members हैं, whether they are shareholders or they are debenture holders, उनका एक special register maintain करना mandatory है. This is called the register of members or members register. अगर कोई कंपनी अगर उस रजिस्टर को नहीं मेंटेन करते हैं, इन दैट केस उस कंपनी को 3,00,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, एंड जो कंसर्न डिफॉल्टिंग ऑफिसर हो उसको 50,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। सो व्हाट इज़ द पेनल्टी? 3,00,000 रुपीज़ फॉर द कंपनी एंड 50,000 रुपीज़ फॉर एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर फॉर नॉट मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच राइट्स कैनॉट बी मॉडिफाइड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग तरह के राइट्स रहते हैं। सर्टन राइट्स उनको स्टैचू बाय वे ऑफ स्टैचू मिल जाते हैं, लॉ उनको सर्टन राइट्स देते हैं,
सर्टन राइट्स उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मिलते हैं. दे आर नोन एज द डॉक्यूमेंट्री राइट्स एंड सर्टन राइट्स आर देयर प्रोप्राइटरी राइट्स. बिकॉज दे आर द मेंबर्स दे आर गेटिंग सर्टन राइट्स. लेकिन जो राइट्स उनको एक्ट से मिले हुए लॉ से मिले हुए स्टैट्यूटरी राइट्स जो हैं उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्योंकि जो उनको डॉक्यूमेंट्री राइट्स मिले हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जो भी उनको राइट्स मिले हैं दैट कैन बी अल्टर्ड दैट कैन बी चेंज बाय मेकिंग सर्टन अमेंडमेंट्स इन दिस डॉक्यूमेंट. तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हेन इज अ प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड इवन व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक. अगर कंपनी पब्लिक के लिए शेयर्स ऑफर कर रहे हैं लेकिन कौन से केसेस में प्रोस्पेक्टस की जरूरी नहीं है. प्रोस्पेक्टस की जरूरत अगर कंपनी जो नया शेयर कैपिटल इन सब्सक्राइब करने के लिए लोगों के पास अप्रोच कर रही है या ऑफर कर रही है उसके लिए अगर किसी के साथ अगर अंडररेटिंग एग्रीमेंट उन्होंने एग्री किया हुआ है या ऑलरेडी कर दिया है या कंपनी अपने फंड्स अंडररेटिंग एग्रीमेंट के थ्रू अगर रेज कर रही है इन दैट केस देर इज नो नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस. इन द सेम वे व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड सोली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स. जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही अगर शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कोई बाकी पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हैं इन दैट केस प्रोस्पेक्टस करने की जरूरत नहीं है. एंड अगर कोई कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है लेकिन इट इज़ ऑन द यूनिफॉर्म टर्म्स विद दोज ऑफ द प्रीवियस इशूज एंड जो प्रीवियस इशूज जो कंपनी ने किए थे दे आर लिस्टेड ऑन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. सो अगर ये तीनों कंडीशन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है इन दैट केस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. सो डी इज माई करेक्ट आंसर. वॉट आर दिस थ्री कंडीशंस. कि एक तो कंपनी नए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके फंड्स रेज कर रही है या कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और डिबेंचर होल्डर्स को ही शेयर्स ऑफर करके फंड्स रेज कर रही है या कंपनी भले पब्लिक को ऑफर लेके आ रही है लेकिन इट इज़ ऑन द सेम टर्म्स इट इज़ ऑन द यूनिफॉर्म टर्म्स विद दोज ऑफ द प्रीवियस इश्यूज एंड प्रीवियस इश्यूज जो है वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है रजिस्टर्ड है. अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर कंपनी कंप्लाई कर रही है तो इन दैट केस उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द नोटिस पीरियड ए कंपनी हैज टू गिव टू क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. तो रजिस्टर जो कंपनी अपना मेंबर्स का रखते हैं अपना मेंबर्स का जो रजिस्टर रखते हैं साल में ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के लिए वो रजिस्टर बंद रख सकते हैं लेकिन वो 45 दिन इकट्ठा नहीं रख सकते हैं. एंड एट अ टाइम इट कैनॉट कीप इट क्लोज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज. ये भी ध्यान में रख दीजिए. ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. साल में 45 दिन से ज़्यादा दिन के लिए वो रजिस्टर बंद नहीं रख सकते एंड एट ए टाइम 30 दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए वो बंद नहीं कर सकते. एंड जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपना रजिस्टर जो है मेंबर्स का जो रजिस्टर्ड है वो कुछ रीज़न के लिए क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए उनको एटलीस्ट 7 दिन एडवांस में लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस देना जरूरी है ताकि सभी पब्लिक को ये पता चले कि कंपनी का रजिस्टर जो है मेंबर्स का वो स्पेसिफिक डेज के लिए बंद रहना है. सो आफ्टर गिविंग 7 डेज नोटिस थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कंपनी कैन कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज फॉर स्पेसिफिक पीरियड. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the minimum number of directors required for a public company according to the Companies Act? Public company के लिए कम से कम कितने directors होने चाहिए? कम से कम 3 directors public company के लिए होने चाहिए. Private company के लिए कम से कम 2 directors होने चाहिए. What is the criteria for an individual to qualify as an independent director according to section 149(6) of the Companies Act? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला जो कंसेप्ट है इशू है
बुक में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, या हमने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप उसको जरूर सुन लीजिए ताकि उसके ऊपर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एन इंडिविजुअल टू क्वालिफाई एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? ही मस्ट हैव अ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। ये गलत है। इट शुड बी रिलेटेड टू द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ही शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर और पार्टनर इन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल फर्म्स इन द प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। एंड ही मस्ट होल्ड मोर देन 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके अपॉइंट करना चाहता है या होना चाहता है, इन दैट केस उसका उस कंपनी में पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या वो कोई प्रमोटर्स या डायरेक्टर के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो वो 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर होनी, उसकी वोटिंग पावर जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ साथ वो जो प्रोफेशनल फर्म कंपनी के साथ रिलेटेड है उसमें वो ना एम्प्लॉय करके काम करना चाहिए, ना ही शुड बी द प्रोप्राइटर और ही शुड बी अ पार्टनर विद दैट फर्म इन द प्रिसीडिंग 3 ईयर्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर करके किसको अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए या कुछ करना चाहिए, इसीलिए जो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर करके अपॉइंट किया जाता है। एंड जब तक फर्स्ट डायरेक्टर रेगुलर फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है, रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है, तब तक ये जो सब्सक्राइबर्स हैं दे एक्ट एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the minimum number of directors required for a private company according to section 149 of that? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What must a proposed director do before appointment according to section 153 of the Companies Act? According to 153 of the Companies Act, कोई भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो अपॉइंटमेंट के पहले उनको कौन सी एक्शन लेनी है या क्या करना जरूरी है? कोई भी व्यक्ति को अगर डायरेक्टर करके अपॉइंट होना है तो उसके पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नंबर, दैट इज डीन नंबर, डीन जो कहते हैं, वो ऑब्टेन करना जरूरी है। सो दे हैव टू प्रोवाइड। एक बार वो ऑब्टेन करने के बाद उनको कंपनी को अपना डीन देना पड़ेगा, DI नंबर देना पड़ेगा, जिसके थ्रू उनकी सभी प्रोफाइल कंपनी के पास अवेलेबल हो सकती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, हु सर्व्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल फर्दर अपॉइंटमेंट? देखिए, 1 पर्सन कंपनी में एक ही व्यक्ति ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, तो जब तक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक वही फर्स्ट डायरेक्टर करके काम करेगा। सो द ओनली मेंबर इन 1 पर्सन कंपनी कैन सर्व एज द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल फर्दर अपॉइंटमेंट। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, देर इज वन ब्यूटी कि अगर आपको, आपने वो टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन बाय यूजिंग योर लॉजिक, बाय यूजिंग योर एटीट्यूड, आप रिप्लाई दे सकते हैं, बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चन रहता है उसी में से आपको आंसर के लिए काफी टाइम क्ल्यू मिल जाता है। व्हाट इज द टाइम फ्रेम विद इन विच एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव द DIN डायरेक्टर इन्फॉर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले आपको बताया था या प्रीवियस क्वेश्चन से स्लाइड में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति को अगर डायरेक्टर करके अपॉइंट होना है तो उसके लिए उसके पहले उसको अपना डीन नंबर देना जरूरी है। सो वो जो डीन के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाता है, तो
तो इसके लिए नॉर्मल केसेस में 30 डेज के अंदर या एक महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी व्यक्ति ने अगर डीन के लिए अप्लाई किया है तो उसको अप्रूवल दे देते हैं. सो ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट एन अप्रूवल फॉर डीन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What action must an individual seeking appointment as a director at a general meeting take at least 14 days prior to the meeting? अगर कोई व्यक्ति कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर करके अपॉइंट होना चाहता है एंड उसका अगर जनरल बॉडी में अपॉइंटमेंट होना है तो उसको एटलीस्ट कंपनी जनरल मीटिंग के 14 दिन के पहले क्या सबमिशन देना है, क्या कंडीशन कंप्लाई करना है, तो उसको उस व्यक्ति को एक रिटर्न में नोटिस कंपनी को देना है विथ इज इंटेंशन टू अपॉइंट गेट हिमसेल्फ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और इज रेडीनेस टू वर्क एज अ डायरेक्टर. एंड अनदर थिंग, उसी के साथ साथ उनको 1,00,000 रुपये तक का डिपॉजिट देना जरूरी है. इट इज़ अ रिफंडेबल डिपॉजिट. अगर रिफंड कब होगा उसमें, अगर उनको जो टोटल वोट्स है उसमें से कम 25% वोट्स मिलते हैं या वो इसमें जीत जाता है, वो डायरेक्टर करके अपॉइंटमेंट हो जाता है उसकी, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो उसको वो 1,00,000 रुपीज़ का डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. So D is the correct answer for our question. Next, when must a director file their consent with the register of companies after appointment? So जो director ने consent दे दिए to work as a director, जैसे ही उसका appointment हो जाता है उनको 30 दिन के अंदर register के बाद उसको file करना जरूरी है, ताकि अगर consent, उसकी consent इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से डायरेक्टर करके अपॉइंट बन गया है, अपॉइंटमेंट उन्होंने ले ली है, ही इज रेडी टू वर्क एज अ डायरेक्टर. सो विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विद दिस वी विल कंक्लूड अवर डिस्कशन हियर फॉर अ डे. उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने काफी 50 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस इन ब्रीफ, but we have restricted our discussion to concepts only. So now if you are clear with these concepts, in mein se koi bhi form mein, kisi tarah se bhi aapko, whether it is long form, long question, whether it is a short question, multiple choice question, true or false, aapko pucha jayega, or even if any case study is asked on the basis of this concept, you will be able to reply properly. So with this, I wish you all the best and thank you very much.